हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो भाई आज है तीसरा दिन, यानी कि सोमवार। अभी दो दिन की हमने टेस्टिंग करी है, आपको पता ही, आपने वीडियो देखी होगी। दोनों ही दिन छुट्टी थी भाई, मार्च का महीना चल रहा है वैसे ही छुट्टी थी। अब आज सोमवार है, आज काम करके देखेंगे। आज काम का दिन है, कितना काम करेंगे, कितनी टेस्ट बाइक को चार्ज करेंगे और कितना कमाएंगे। प्लस इसके साथ साथ कुछ भाइयों ने कुछ सवाल पूछे थे, जैसे मिश्रा जी इसका रेंट कितना लग रहा है, मिश्रा जी इसमें कोई कंडीशन है ऐसी कि इतनी राइड तो करनी ही करनी है या इतने घंटे आपको लॉगिन रहना ही रहना है, सर्विस के कितने पैसे लगेंगे, सर्विस फ्री है या नहीं है, और भी कई ऐसे सवाल हैं जो भाइयों ने पूछे हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर, जो कि आज फाइनल टेस्टिंग है, इसकी लास्ट टेस्टिंग है, इसके बाद हम नॉर्मल काम करेंगे, तो वो आज की इस वीडियो में आपको टोटल पता चल जाएगी। बहुत से सवाल हैं, हम सभी सवालों के हिसाब से आज पूरे दिन के अंदर आपको जवाब देंगे और साथ में काम भी करते रहेंगे। 100% चार्ज हो चुकी है, टोटल किलोमीटर है 299। तो दोस्तों आज की पहली बुकिंग हमने ओला के अंदर एक्सेप्ट कर ली है भाई, 140 रुपये की ये बुकिंग है। और अब बस अब कस्टमर को पिकअप करने के लिए जा रहे हैं, पिकअप पॉइंट पर पहुंचते हैं। और ये बुकिंग हम भाई कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भाई सेक्टर 62 की। अब वहां से सीधा इंदिरापुरम निकल जाएंगे। तो आज की पहली ही बुकिंग भाई कैंसिल हो गई है, 4.48 रुपये के आसपास मिले हैं उसके अंदर। यार मज़ा नहीं आता जब पहली बुकिंग कैंसिल हो जाती है। खैर चलो दूसरी बुकिंग का इंतज़ार करते हैं। कस्टमर को कॉल करते रहे, नहीं भाई उसने उठाया ना, उसने कॉल किया भाई। पहली ट्रिप एंड कर दिए, खोड़ा कॉलोनी के लेके आए थे, 139 रुपये, यानी 140 रुपये की कमाई हुई है। और बैटरी की अगर बात करें तो 77% बैटरी हो चुकी है। अब देखते हैं कहाँ की ट्रिप आएगी। बताया था ना आज का दिन भाई, पहली ट्रिप कैंसिल हुई है तो बेकार जाएगा। अभी एक और ट्रिप कैंसिल हुई है भाई, इतना बड़ा सूटकेस साथ में एक बोरा। मैंने कहा भाई क्या बुक किया है तुमने, बोला बाइक बुक करी है। मैं कहा ये भाई माल ढोने के लिए थोड़ी ना है भाई, के इंसान ढोने के लिए ये बाइक पे नहीं जाएगा, कहाँ से जाएगा भाई। एक आध होता तो चल आगे रख लेता, तू पीछे पकड़ के बैठ जाता। भैया थोड़ी ना एक बोरा लेके आ रहा है, तू बड़ा सा सूटकेस लेके आ रहा है, भैया माफ़ कर। तो भाई वो क्या ट्रिप भी कैंसिल हो गई। खैर अब एक और ट्रिप आई है भाई। तो दोस्तों एक और राइड को कंप्लीट कर चुके हैं भाई, और अगर अभी तक की बात करें तो बैटरी हमारी सिर्फ बची है 60%। जी हाँ, 60% बैटरी बची हुई है। और काम की बात करें तो शायद 276 रुपये का काम भी हो गया है। अब यहाँ से खोड़ा कॉलोनी का चार्जर बिल्कुल पास में है, मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर के अंदर है। अभी इरादा नहीं है हमारा जाने का, क्योंकि अभी 60% बची हुई है, अभी देखते हैं और कितना काम करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, 47% बैटरी रह गई है और 344 कर रहा है। और जब हम घर से चले थे तब 299 था, यानी 45 किलोमीटर हमारी स्कूटी चल चुकी है और 47, अगर हम हिसाब निकालते हैं तो भाई 100% के अंदर 85 किलोमीटर ये गाड़ी चलती है। हम आ चुके थे घर पे, जी हाँ हम गए थे वहाँ पे विजयनगर वाले प्रताप विहार वाले चार्जर पर, और वहाँ पर भीड़ लगी थी। तो हमने कहा यार यहाँ पे करने से अच्छा सीधा घर चलते हैं, खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे और तब तक बाइक हो जाएगी फुल। तो बाइक हो चुकी है फुल, अब निकलते हैं काम पर। घर से निकलते के साथ ही सीधा सेक्टर 62 की ट्रिप आ गई, और भाई इनको छोड़ दिया सेक्टर 62। कस्टमर से 95 रुपीज लिए, हमें शायद 90 रुपये मिल गए होंगे, देखा नहीं हमने। अभी छोड़ के अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बैटरी भाई 100 थी, आपको पता है ट्रिप आ गई। पहली ट्रिप छोड़ी थी हमने भाई इनफील्ड के शोरूम पर, और छोड़ते के साथ ही आपसे बात कर रहे थे। दूसरी ट्रिप आ गई बजाज से, चलो भाई इनको लेके जाते हैं। और ये ट्रिप वापस हमारे घर की तरफ की आई है। तो भाई उस राइड को कंप्लीट कर दिया था हमने सावेरी में, और सावेरी में 5 मिनट में वहाँ से वापस इंदिरापुरम की राइड आ गई, उसको लेके इंदिरापुरम कर दिया कंप्लीट है। देन उसके बाद वहाँ से सीधा हम आ गए सेक्टर 62 की तरफ। अब शाम का टाइम है ना, ऑफिस छूटने का टाइम है, बड़े बड़े ऑफिस हैं ये भाई, तो यहीं से ड्यूटी मिल जाएगी कोई ना कोई। फाइनली दोस्तों सेक्टर 75 के अंदर आज की 8वीं राइड हम कंप्लीट कर चुके हैं, और बैटरी बची है 44, और गाड़ी अभी तक चली है 409, घर से चले थे तो कितनी थी 300, यानी 110 किलोमीटर गाड़ी चली। और काम की बात भी कर लेते हैं भाई, 716 ऐसे कुछ काम हो चुका है। और हाँ घर के अंदर भाई 3 घंटे का आराम भी हो चुका है, क्योंकि हम घर चले गए थे आपको पता है, और घर पे हमने चार्जिंग करी थी और घर पे आराम से लेटे रहे, खाना वाना खाया, आराम किया, एक आध झपकी भी ले ली। फिर उसके बाद चार्जिंग करने फुल होने के बाद फिर हम निकल लिए थे।
अब काम हुआ 700 का, लेकिन इस तरीके से अगर काम करेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि अब ज्यादा 44 है तो कोई 20 किलोमीटर की और राइड उठा लेंगे ज्यादा से ज्यादा तो मिलेंगे 180 रुपए, 700 800, हद से हद मार के 900 रुपए का काम होगा दो बार फुल को नील करने के अंदर, मजा नहीं आया कुल मिला के। तो दोस्तों सारी आईडी हमने कर दी है बंद, यानी ओला की आईडी कर दी है बंद, 850 रुपए का टोटल काम हुआ है। अब एक एक्सपेरिमेंट और रह गया है, बाकी हमने नॉर्मल पे आपको बता दिया कि भाई 85 की एवरेज दे रही है, अब घर जा रहे हैं तो इको पे करते हैं और आपको मीटर दिखाते हैं कि मीटर में क्या बता रहा है कि कितना किलोमीटर चल सकती है इको के अंदर और बैटरी कितनी है, और फिर इसको चेक करेंगे। अब धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या एक्चुअल में जितना बता रहा है उतना होता है या नहीं होता है इको के अंदर। तो जांचने के लिए भाई मीटर देखना जरूरी है। आप सामने देख रहे हैं नॉर्मल मोड पर बैटरी है 22% और चलेगी कितनी इसके अनुसार 25 किलोमीटर, और हम इसको इको कर देते हैं। तो इको में ये भाई साहब हमें क्या बता रहे हैं, इको में ये बता रहे हैं कि भाई 27 किलोमीटर चलेगी, बैटरी वही 22% है और 27 किलोमीटर चलेगी। अब चेक करते हैं मीटर, इधर देखो 00 है इस वाली ट्रिप का। अब देखते हैं 3-4-5 किलोमीटर चलने के बाद वाकई हिसाब सही निकलेगा या नहीं। तो दोस्तों आपने तो देख ही लिया होगा कि 10 पॉइंट में ये इको मोड के अंदर कितना चलती है, तकरीबन हम कह सकें तो 12 किलोमीटर के आसपास इको में चल रही है, और नॉर्मल में तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि 85 की एवरेज दे रही है। स्पोर्ट्स में देखो सीधी सी बात है, हमने चेक ही नहीं किया है। अब कर लेते हैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात। एक भाई का कमेंट आया था, जहां पर इसे चार्जिंग करते हैं क्या वहां पर कोई पैसा लगता है? तो भाई कोई पैसा नहीं लगता है, अभी बिल्कुल फ्री है और शायद काफ़ी टाइम तक अभी फ्री रहेगा। जैसा भी आगे अगर पैसा लगा तो ओला अपडेट कर ही देगा। दूसरी बात, जिसको लेनी है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है, सोच समझ कर कॉल करना अगर आपको लेनी हो, क्योंकि अच्छाई बुराई सब कुछ हम वीडियो के अंदर बता रहे हैं, और आज की लास्ट वीडियो है ये इसकी टेस्टिंग के ऊपर। काम कल का हमारा 850 रुपये का हुआ था, बाइक की रनिंग के हिसाब से अगर पेट्रोल का लगाएं तो 250 रुपये का पेट्रोल लग जाता उस 850 रुपये के काम के अंदर, लेकिन पेट्रोल हमारा बच गया। लेकिन गौर करने वाली बात एक और है, वो ये है कि हमने चार्जिंग घर पर करी थी, फुल चार्ज होने में जहाँ तक हमने सुना है 4 यूनिट लग जाती हैं। अब अगर हम यूपी के हिसाब से 10 रुपये यूनिट मान के चले तो भाई 40 रुपये प्लस 40 रुपये दो बार चार्जिंग के मान के चलते हैं तो 80 रुपये हमारे चार्जिंग में भी लग गए। तो 80 रुपये हमारे लग गए, लेकिन 10 ट्रिप करने की वजह से हमें इंसेंटिव के 80 रुपये मिल गए, तो इंसेंटिव वालों को हम बिजली के बिल में हटा देते हैं। तो बात आती है सिर्फ कमाई वाली, तो कमाई हमारी 850 की हुई है, पेट्रोल हमारा लगा नहीं। तो वो भाई जिनके पास अपनी बाइक नहीं है उनके लिए तो 1% हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए ठीक है, क्योंकि कोई खर्चा नहीं है, उनके पास पैसा भी नहीं है अपनी बाइक लेने का तो वो ले सकते हैं, क्योंकि काम भी कोई हमने बहुत ज़्यादा घंटे का किया नहीं था। सुबह हम निकले थे तकरीबन 8:30 बजे के करीब और 11:30-12 बजे के आसपास हम घर आ गए थे, फिर निकले थे 4 बजे और 8 बजे घर आ गए थे। तो आप देख लो कि 7-8 घंटे के अंदर आप 800 रुपये का काम कर ले रहे हो, जिसके अंदर कोई खर्चा आपका नहीं लग रहा है। उस हिसाब से अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, बुकिंग कराना चाहो तो नंबर साइड में है, इस पे कॉल करके बुकिंग करा सकते हो। अब एक भाई ने एक और सवाल पूछा था कि मिश्रा जी कोई टारगेट है इसके अंदर? जी हाँ, देखिए कंपनी ने जो कहा है उसके अनुसार आपको कम से कम 10 ट्रिप मारनी ही मारनी है और कम से कम 10 घंटे लॉगिन रहना ही रहना है, लेकिन फिलहाल इस वक्त तक ऐसी कोई बॉन्डिंग है नहीं। लेकिन हम एक चीज़ आपको बता देते हैं भाई, जिन्होंने ले ली है उनके पास 1 हफ्ते बाद कंपनी की तरफ से कॉल आने की शुरुआत हो जाती है, वो उनको रिमाइंडर दिलाते रहते हैं कि भाई आज आप काम पर नहीं निकले हैं, आज आपने कम ट्रिप करी है, काम करो, ट्रिप करो, अपनी परफॉर्मेंस सुधारो। तो ऐसी कॉलें आपको आती रहेंगी, यानी कि कुछ ना कुछ तो देखो बदलाव होगा ही, हो सकता है आगे चल के आपके ऊपर प्रेशर भी आना चालू हो जाए कि इतने घंटे आपको लॉगिन रहना ही रहना है, इतनी ट्रिप आपको करनी ही करनी है, और साथ में
रेंट की बात भी कर लेते हैं। तो रेंट जो है अभी तक बिल्कुल फ्री चल रहा है, लेकिन भाई आप लोगों को करना क्या है, जब रेंट लगेगा तब रेंट के हिसाब से काम करना। और जो कंपनी ने रेंट बताया है वो ये है, इसको आप चेक कर लो। लेकिन हम क्लियर कर देते हैं, ये अभी लागू नहीं है, होने को कभी लागू कर सकती है कंपनी, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद है आज की वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी इस ओला S1 Pro रेंटल बाइक टैक्सी के बारे में पता चल गई होगी। फिर भी अगर कुछ सवाल होंगे तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हो सकता है हम आगे वाली किसी वीडियो के अंदर उनके जवाब आपको ज़रूर देंगे। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और जाते जाते बोलते हैं जय हिंद जय भारत।